हाँ दोस्तों, मैंने जो किन्नर समुदाय की जो किन्नर महासम्मेलन जहाँ शुरू होता है, मंगलमुखी महासम्मेलन, वो यहाँ से शुरू होता है। पहले तो बहुत सारे जो मंगलमुखी को इनवाइट किया जाता है, हर स्टेट से आते हैं, तो पहले जो शुरुआत होते हैं जो वो सिक्का बांटते हैं, ये भी एक हिस्सा है हमारा महासम्मेलन का। आइए आप सबको बताएंगे, ये सिक्का बांट रहे हैं, ये किन्नर महासम्मेलन का। हाँ, ये है किन्नर महासम्मेलन के अंदर जो पहले शुरुआत होती है, जो सिक्का बांटने होते हैं, जहाँ जहाँ के जो किन्नर आते हैं, जो उनके नाम के सिक्का दिया जाते हैं, जो सिक्का के नाम से मतलब एक साबुन दिया जाते हैं, साबुन के साथ साथ चाली दिया जाते हैं, मतलब सुपारी दिया जाता है, और पान कत्ता ये सब दिया जाता है। ये सब हमारा जो कल्चरल का एक हिस्सा है, एक संस्कृति का एक हिस्सा है। हाँ, ये और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि किन्नर के महासम्मेलन के अंदर या किन्नर गुरु शिष्य की जो रिश्ते होती हैं उसके बारे में भी पूछा जाए। बिहार स्टेट के सिवान से आए हैं, क्या नाम है आपका? काजल किन्नर। आइए उनसे भी पूछा जाए किन्नर समुदाय के अंदर गुरु चेले की रिश्तों को लेके, और उसके साथ साथ जो mangalmukhi.com है, जो mangalmukhi.com के जरिए आप सबको पता है कि जो डेरा रजिस्ट्रेशन होता है, इलाका रजिस्ट्रेशन होता है, तो और मंगलमुखी मंडल के बारे में आपका क्या कहना है, और किन्नर सम्मेलन के बारे में क्या कहना है? किन्नर सम्मेलन चल रहा है, अभी मैं आई हूँ सिवान बिहार से जी, काजल किन्नर। अच्छा, रागे बाद इन्होंने पूछे गुरु के मतलब में, गुरु एक हमारे माता पिता होता है, गुरु एक हमारे माता पिता है, और गुरु के जरिए हम लोग आते हैं। गुरु हर सुख देता है, हर प्यार देता है, जजमानों के द्वारा हम लोग लाते हैं, गुरु हर सुख प्यार देता है। आज हमारा सम्मेलन चल रहा है किन्नर अखंड, हम लोग सम्मेलन में आए हैं, हमारे गुरु माँ भी आई हैं सम्मेलन में। देखिए बहुत सारे बिहार से हमारे किन्नर सम्मेलन में किन्नर लोग आए हैं, अभी आ रहे हमारे गुरु माँ, उनसे बात कीजिए। जो किन्नर समुदाय के अंदर गुरु चेले की ये बाप बेटे की, माँ बेटी की रिश्ता होते हैं, हमारे ये शुरू से परंपरा चली आ रही, जिस तरह हमारे गुरु थी हाजी अबरार, अभी उनके चेला मैं हूँ हाजी हसीना, समझे, यही होती है। और हम लोग में खूब अच्छा से मिलजुल कर रहते हैं, हमारे चेले नाती पोती चेले सब अच्छे से रहते हैं, हम सिवान शहर की हैं। अच्छा हाजी साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी हमने mangalmukhi.com मतलब ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम और कंप्यूटरी सिस्टम, मतलब ऑनलाइन से हमने जो गलियां होती है, जो डेरा होती है, उसको रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो हर जगह में इलाके को लेके या एरियाज को लेके कोई नकली हिजड़े भी आ जाते हैं, जो किन्नर बन के आ जाते हैं, जो किन्नर है नहीं है, जो कोई और किन्नरों का जो एरिया होता है उसको कब्जा करना चाहते हैं, वो सबके बारे में जो mangalmukhi.com जो है डेरा रजिस्ट्रेशन करता है, और उसके साथ साथ जो एरिया रजिस्ट्रेशन करता है, वो सही है कि गलत है? बताएं। नहीं, सही है, ये बात तो आगे चल के ये अच्छी बात है कि कोई वो डेरे पे जुलुम ना ढाए, बुढ़े बुढ़े गुरुदाद गुरु हो जाते हैं, चेले नाती जवान जवान रहते हैं, तो अपने गुरुदाद गुरु का दबेल चलाते हैं, तो ये काम अच्छा है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन सही है? सही है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जो भी आप कर रही हैं ये किन्नर के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। हाँ दोस्तों, मैं आपसे जो यहाँ पंजाब के दो शहर है, एक राहू और एक तांडा, राहू के हैं रेखा नायक जी हैं, ये भी बहुत जाना माना चेहरा है हमारे किन्नर समुदाय के अंदर, और उसके साथ साथ वो अपनी एरिया में बहुत अच्छे जो समाज सेवा भी करते हैं। आइए उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे, जो mangalmukhi.com के जरिए और मंगलमुखी मंडल के लिए जो वो क्या सोचना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं रेखा राहों तो डिस्ट्रिक्ट नवां शहर तो, अज असी किन्नर सम्मेलन विच जम्मू विच आए हुए हैं, और साडे रजनी बाला जी जो है सम्मेलन करवा रहे ने, उत्थे अज लाड़े लाड़ी दा रोल भी है, उन्दे विच मैनू लाड़ा बना के रख्या होया वा जी, ते हुण साडी शोभा यात्रा निकलूगी, और जो भी है मंगलमुखी चैनल भी हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो मंगलमुखी है हमारी काजल नायक है, वो अपने समाज सेवा करती है, और हम भी जितने हैं अपने घर में भी और अपने इलाके में भी समाज सेवा करते हैं जितनी हो सकती है। और मेरा स्पेशल मैसेज है मेरे डिस्ट्रिक्ट नवां शहर और राहों वाले वास्ते कि मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उन्होंने ढेर सारा लव यू और खूब ब्लैसिंग।
अच्छा रेखा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल इलाके को लेके, एरियाज को लेके बहुत सारे लड़ाई होती हैं, ना ही हमारा प्रशासन सुनते हैं, ना हमारे कोर्ट कचहरी कहीं भी नहीं सुनवाई होती है। इसी दुख दर्द को देखते हुए mangalmukhi.com हमने वेबसाइट बनाए, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए, कंप्यूटरी सिस्टम जरिए, और ऑनलाइन हमारा जो डेरा और इलाका रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए आप कुछ कहना है? हाँ जी, वो बहुत बढ़िया सिस्टम है ना, mangalmukhi.com वाला बहुत बढ़िया सिस्टम है। ऐसा उहदे विच गूगल उपर नाम आऊगा और लोगों लिए असी एक पहचान का होर केंद्र बनांगे। बहुत अच्छा लगा और तुहाडे नाल भी सारे नाल मिल के मैनूं बहुत अच्छा। आइए, मैं तांडे की महंत जो वो भी बहुत अच्छे जाना माने चेहरा है, उनका नाम है शिवानगी जी हैं, बहुत अच्छे वो भी समाज सेवा करते हैं, और उनसे भी मैं दो टुक में करना चाहती हूँ कि हमारे mangalmukhi.com के लिए या mangalmukhi मंडल के लिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, और पूरे दुनिया के लिए अमन चमन शांति इंसानियत सच्चाई और अच्छाई श्रद्धा और सब्र के लिए और हमारे जिजमानों के लिए वो क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सबको नमो नारायण और रिस्पेक्टेड। मेरे mangalmukhi जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और सबसे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इनको लाइक करो, फॉलो करो और दब के शेयर करो। और सेकंड बात यह, मैं भोगपुर टांडा से हूँ, शिवानगी महंत। यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है हमारे रजनी बालाजी महंत, मानपुर वाले अपने दास गुरु अल्लाह रखा जी की रोटी कर रहे हैं, बाबा मोहन जी की रोटी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हिजड़े आए हुए हैं, और सबके लिए दुआ करते हैं कि सभी बड़े फूलें। और मेरा ये मैसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा mangalmukhi जी को लाइक करो, फॉलो करो। एक ये सोशल वर्कर है, इनको कोई फ़ायदा नहीं होता, बट ये सबकी सहायता करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।